पाली सीखो भाग दो। पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में सर और व्यंजन इनके बारे में बताया गया था कि पाली में कितने शब्द होते हैं, कितने अक्षर होते हैं। पाली में जो वॉवल्स होते हैं या जो सर होते हैं, जिनको सरा बोलते हैं, और या जिनको संस्कृत भाषा में स्वर बोलते हैं, वे आठ भी होते हैं और दस भी होते हैं। आठ और दस का यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा भेद या ज़्यादा बड़ा चक्कर नहीं है, एक छोटी सी बात है। पहला जो सर होता है देवनागरी लिपि के अंदर, ये देवनागरी लिपि जो मैंने आपको बताई थी, देव माने होता है जिसने पंचशील का पालन किया हो या करता हो, ऐसे व्यक्ति को देव बोलते हैं। और नाग इसमें शब्द है, इसका मतलब भारत के जो लोग हैं, भारत के किसी नाग व्यक्ति ने ये बनाई है। और री का जो मतलब होता है वो रू से होता है, रू का मतलब होता है अटरिंग, अटरिंग का मतलब है जैसे बच्चा शुरू शुरू में मम 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 ऐसे करके बोलता है या मम 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 ऐसे करके बोलता है, तो वो अटर करता है, यानी कि वो शब्द को, शब्द को बनाने की कोशिश करता है, उसको रू बोलते हैं पाली के अंदर। तो देव नाग री, यानी देव नाग रू से देव नागरी हुआ है, और ये भारत के किसी नागवंशी व्यक्ति ने या समूह ने या किसी भिक्कु ने ये जो लिपि है, ये जो अक्षर हैं क ख ग घ, ये बनाए हैं। इसमें जो शब्द है उसको पाली में शब्द बोलते हैं और अक्षर को अक्षर बोलते हैं। अक्षर ही बाद में अक्षर बना और शब्द ही बाद में शब्द बना, जब श और क श मिलके छ बना। ये बड़ा सिंपल सा है, मैंने बहुत बार बताया भी है। तो यहाँ जो पहला सर आता है, अगर एक सर होगा तो उसको सर बोलेंगे, और अगर बहुत सारे सर होंगे तो उनको सरा बोलेंगे। तो यहाँ जो पहला सर है, वो जो पहला शब्द है वो है ए। ए पाली का पहला अक्षर भी है और पहला सर भी है, यानी कि पाली अक्षर माला का पहला अक्षर ए है। ए की जो सबसे खास बात है कि ये प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स का मतलब है ये उपसर्ग भी है। उपसर्ग का मतलब है कि शब्द से पहले लग के शब्द के अर्थ को बदल देता है, जैसे कुशल से पहले अगर ये लग जाए तो अकुशल हो जाता है, यानी जो कुशवाहा लोग थे, जो कुशल लोग थे, जो निपुण लोग थे, कुशवाहा अगर ये ए लग जाए तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो कुशल नहीं है, जो निपुण नहीं है, तो अकुशल हो गया। या जैसे नियमित है, तो नियमित में अगर ए लगा देंगे तो अनियमित हो जाएगा, नियमित का मतलब रेगुलर हो गया और अनियमित का मतलब इरेगुलर हो गया। तो ये ऐसे करके ए लगाने से वो निगेटिव शब्द का अर्थ बन जाता है, नकारात्मक, निषेधात्मक, यानी निषेध। पाली में इसको निषेध बोलते हैं, क्योंकि शय तो पाली में षटकोण वाला है नहीं, तो निषेधात्मक बन जाता है, या निषेध जैसे निगेटिव बन जाता है। जैसे गति का, गति का ए गति बन जाता है, या जो जनन है उसका अजनन बन जाता है, और खित का अखित बन जाता है, यानी क्षेत्र का अक्षेत्र बन जाता है ए लगाने से। ये पाली का पहला सर और पहला अक्षर है। इसको सर जो बोलते हैं, सर का मतलब होता है स्वर, यानी सर का मतलब है आवाज। पाली में सर जो बोलते हैं वो आवाज को बोलते हैं, यानी कि जो आवाज निकालता है बच्चा उसको सर बोलते हैं। सर और आवाज एक ही बात है। जब भी कोई दुनिया में व्यक्ति या जानवर बोलेगा तो सबसे पहले वो आवाज़ जो देता है उसको सर कहा है। और पहली आवाज़ क्या होती है? पहली आवाज़ बड़ी सिंपल सी होती है, आ ए ई ऊ ए ऊ। ये सारी दुनिया में इनको वॉवल्स बोलते हैं और यही वो आवाज़ है, इसलिए आवाज़ का नाम ही सर है। यहाँ पर जो दूसरा सर है वो है आ। ये पाली का, पाली अक्षर माला का दूसरा शब्द भी है आ। आ का मतलब है कि आ अगर किसी में लग जाता है, जैसे कोस में अगर आ लग जाए तो अकोस हो जाता है, यानी आक्रोश हो जाता है। बाद में इसको संस्कृत भाषा में आक्रोश बोला, जैसे कहते हैं ना, अरे ये बड़ा कोस रहा है। कोसने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा वो एब्यूजिंग कर रहा है, गाली बक रहा है। अकोसती, कोस्ती में अगर आ लग जाता है तो वो जाता है अकोसती। तो आ का मतलब यहाँ
ऐसा भी आता है। तृतीय यानी जो तीसरा सर है वो है ई, ई जो है वो छोटी ई है, और जो चौथा सर है वो है बड़ी ई। ये दोनों सिंपल हैं, इनके अर्थ सिर्फ इतने ही हैं। तो जो पांचवा सर है वो है छोटा ऊ, और बड़ा ऊ जो है वो छठा सर है। सातवां और आठवां जो सर है वो दोनों एक ही हैं, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि आवाज़ आ रही है किसकी, ए की, तो ए हमारा सातवां भी है और आठवां भी है। सातवां आठवां इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मोगलना ने जो व्याकरण लिखी या मोगलना ने जो व्याकरण बनाई, उन्होंने ए को दो माना। दो कैसे माना? दो ऐसे माना कि एक जैसे एकाकी, एकाकी में जो ए है वो एक मात्रा की आवाज़ देता है, और एथ, एथ अगर बोलते हैं पाली के अंदर तो ये ऐसी आवाज़ देता है जैसे हल्की आवाज़ है। तो यहाँ उन्होंने लंबी आवाज़ को और छोटी आवाज़ यानी जो शॉर्ट वॉइस है और जो लॉन्ग वॉइस है उनको अलग अलग माना। एकाकी और एथ, ए जो लगते हैं दोनों में, उनकी आवाज़ दोनों अलग अलग है। जैसे ध्यान दीजिए, एकाकी, एकाकी में एक मात्रा वाला ए है, और एथ, एथ में ए की आवाज़ नहीं आती। तो मोगलैन ने इनको ए और ए करके माना, इसलिए ये आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है, मगर लिखने का तरीका पाली में सिर्फ एक ही है, दो मात्राओं वाला तरीका नहीं है। बोलने में अंतर हो सकता है मगर लिखने में अंतर नहीं है, इसलिए इसको सातवां आठवां बोलते हैं। या अगर इसको आप कच्चायन की व्याकरण बोलेंगे तो कच्चायन की व्याकरण में ये सिर्फ सातवां है, और आठवां जो आता है कच्चायन की व्याकरण में वो आता है ओ, और मोगलैन की व्याकरण के हिसाब से वो आता है नौ और दस। ओ जो आता है, ओ का मतलब है जैसे ओ काक में ओ की आवाज़ आती है, और अगर हम खाली ओ करें तो ओ की आवाज़ एक ओ वाली आती है, यानी ओकाक में दो ओ की आवाज़ है और ओक में एक ओ की आवाज़ है। इसलिए जो मोगलैन हैं उन्होंने अपनी व्याकरण में इनको ओ और औरत वाला ओ दोनों माने हैं, और जो काचान है उसमें जैसा चला रहा है पाली में वैसा ही माना है। ज़्यादातर जो पाली के अंदर लिखा हुआ है उसमें दो मात्राएं कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी, ना ए पे दो मात्राएं मिलेंगी ना ओ पे मिलेंगी, इसलिए जो सर की संख्या है वो आठ ही मानी जाती है। पूरी पाली में आठ ही लिखी गई है। बोलने का तरीका थोड़ा बहुत एथ का और एकाकी का या ओ का और ओका का थोड़ा सा अंतर हो सकता है, मगर लिखने का तरीका सेम है। ये पाली के स्वर हैं, ये पाली के सर हैं, ये पाली के सरा हैं, ये पाली के वॉवल्स हैं। उसके बाद आएंगे पाली के व्यंजन। पाली के व्यंजन बहुत ही सिंपल हैं, और कुछ व्यंजन तो ऐसे हैं जिनका अर्थ पूरे अर्थ को इतना इम्पोर्टेंट बना देता है जिसका कहीं कोई जवाब नहीं है। धन्यवाद।